अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन का जरूर दबाइए, इससे क्या होगा आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हैकिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसका पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना है। उससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसा कमेंट के बारे में जो एक हैकर को बहुत ज़रूरत है, एक स्टार्टिंग हैकर्स के लिए वो बहुत ज़रूरत है। मैं बात करने वाला हूँ ऐसा ही कुछ कमेंट प्रॉम्प्ट कमेंट के बारे में, जिससे पहला जो कमेंट है वो है आईपी कॉन्फ़िग। अगर आप किसी को हैक करना चाहते हैं, किसी डिवाइस को हैक करना चाहते हैं, हैक यानी कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो चुराना चाहते हैं, तो पहले तो आपको उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एड्रेस जानना चाहिए। डिवाइस का एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस। तो उस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है उसको भी आपको जानना होगा। इसके लिए कमेंट होता है आईपी कॉन्फ़िग, इसको आप सीएमडी यानी कि कमेंट प्रॉम्प्ट पर जाइए और उस पर वहाँ पर लिख सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग और एंटर देने से आपको वहाँ पर उस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। आईपी वर्जन 4 के बाद में जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है टास्क लिस्ट। इस कमेंट से आप कोई भी पीसी पर क्या क्या प्रोग्राम रन है वो आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस और जो भी प्रोसेस रन है वो आप देख सकते हैं। इसका जो प्रोग्राम आईडी क्या है, सिस्टम आईडी क्या है, उससे आप इस प्रोग्राम को स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीएमडी पर जाना है और टाइप करना है टास्क लिस्ट। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर रन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है ट्रेसर्ट। इस ट्रेसर्ट कमेंट के साथ आप कोई भी जो वेबसाइट है उसका जो रूट है वो आप ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसर्ट जो कमेंट है उसके यूज करने के लिए सीएमडी पर जाइए और टाइप कीजिए ट्रेसर्ट और उसके बाद स्पेस देकर उस वेबसाइट का नाम दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसका जो रूट है, कहाँ पर डेटा जा रहा है, क्या पर कम्युनिकेशन हो रहा है इस वेबसाइट का, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है एनएस लुकअप। इसके लिए यूज करना चाहिए, किसी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, जो होस्ट एड्रेस है, उसको जानने के लिए आपको एनएस लुकअप का यूज करना चाहिए। ऐसा कोई ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिस पर आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको प्रैक्टिकली बाद में दिखाऊंगा। कोई के यूजर को वो पता भी है, लेकिन मैं बता दूं सीएमडी से कैसे यूज कर सकते हैं। आपको सीएमडी पर जाकर टाइप करना है एनएस लुकअप और स्पेस देकर उस वेबसाइट का नाम लिखना है और इंटरफेस करना है। उसका जो आईपी एड्रेस है उस वेबसाइट जो आईपी एड्रेस पर होस्ट हो रहा है उसका आईपी एड्रेस आपको वहां पर मिल जाएगा और उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। लास्ट जो कमेंट है वो है सिस्टम इन्फो। इस कमेंट के साथ आप इस सिस्टम का लगभग फुल इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। इसके बारे में ओएस का मॉडल क्या है, कि कौन सा ओएस इंस्टॉल है, कौन सा ओएस स्ट्रक्चर यानी कि 32 बिट है, 64 बिट है, इसका रूट सिस्टम क्या है, इस ओएस का किस रूट में इंस्टॉल है, इसका जो प्रोसेसर है वो क्या है, इसका रैम कितना है, प्रोसेसर का किस कंपनी का वो प्रोसेसर है, सब कुछ आप इस जो कमेंट से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ टाइप करना है सीएमडी पर जाके सिस्टम इन्फो और एंटर देना है, आपके पास फुल सिस्टम कॉन्फिगरेशन लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आप एक कमेंट के बारे में जान गए हैं। तो मैं लास्ट में बता दूं कि कमेंट यूज कैसे करेंगे आप। तो आपका खुद का जो कंप्यूटर है उस पर तो आप ये कमेंट रन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के कंप्यूटर में कैसे रन करेंगे, क्योंकि दूसरे का कंप्यूटर आपके एक्सेस पर नहीं भी आ सकता है। तो इसके क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एक exe फाइल आप भेजते हैं, उस exe फाइल आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि मैंने कमेंट आपको बताया उसका बैच फाइल रन करेगा और सीएमडी पर ऐसा कोड है जो आउटपुट है, किसी कमांड का आउटपुट है वो एक फाइल पर सेव हो जाएगा और वो सेव इंटरनेट के थ्रू आपके पास आ जाएगा और आप उसका सिस्टम का जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे आप किसी भी पीसी के बारे में आप कुछ भी जान सकते हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आईपी एड्रेस क्या है वो आप जान सकते हैं और किसी वेबसाइट को हैक करने से पहले उसका जो वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, होस्ट नेम है, वो भी आप जान सकते हैं। तो आई होप
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आप जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।